एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ब्रोकन ग्लास जेली केक की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है और इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो जेलीज का इफेक्ट आता है वो ऐसे लगता है जैसे कि टूटे हुए कांच के टुकड़े। ये केक दिखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही लाजवाब। और इस केक को देखने से आपको लग रहा होगा कि इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, इसको बनाना बहुत आसान है। तो इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए तो आपको भी लगेगा अरे ये बनाना तो बहुत आसान है। तो इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम जेलीज बनाएंगे। तो जेलीज बनाने के लिए आपने कम से कम 3 या 4 डिफरेंट फ्लेवर्स के जेली लेने हैं। 100 ग्राम्स का ये पैकेट आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज, ग्रीन एप्पल, ब्लैक करंट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है और इन कलर का जो इफेक्ट आता है ना इस केक के ऊपर वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो चलिए ये जेली बनाना शुरू करते हैं। तो जेली के इस पैकेट में 2 सैशेज होते हैं, एक होता है जेली प्रीमिक्स का और दूसरा होता है जेली पाउडर का। हमने दोनों को अच्छे से मिक्स करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सूखा और साफ बोल ले लिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बोल एकदम सूखा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम इस जेली पाउडर और जेली प्रीमिक्स दोनों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 कप पानी बॉइल कर लिया है। पैकेट में आपका 500 मिलीलीटर लिखा होगा लेकिन हमने केवल 1 कप ही बॉईल करना है क्योंकि इस रेसिपी में जो जेली है वो हमें एकदम स्टिफ चाहिए, ज़रा से भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम कम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए जेली पाउडर को मैंने गर्म पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है। जेली के क्रिस्टल जो है वो ज़रा से भी नज़र नहीं आने चाहिए, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जानी चाहिए। और अब मैं तैयार किए हुए जेली को इस कंटेनर में डाल दूँगी और इसको हमने अब एकदम ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद हम इसे फ्रिज में करीब 4 घंटे तक सेट होने देंगे। तो देखिए जेली को सेट होते हुए 4 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। तो बहुत अच्छे से हमारी जेली सेट हुई है। तो आपने इसको पूरा 4 घंटे का टाइम तो कम से कम देना ही है सेट होने के लिए। और अब हम इस जेली को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कितनी परफेक्टली हमारी ये जेली सेट हुई है। तो हमारी ऑरेंज जेली बिल्कुल तैयार है और इसी तरह से मैंने ये ग्रीन एप्पल जेली को भी अच्छे से सेट कर लिया था, इसको भी हम इसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये है हमारा ब्लैक करंट जेली, ये भी अच्छे से सेट हो चुका है। और आखिरी में हमारा स्ट्रॉबेरी जेली। तो स्ट्रॉबेरी जेली मेरे पास 50 ग्राम का ही पैकेट था तो ये थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने इसे छोटे कंटेनर में सेट किया है। तो यहाँ हमारी चारों जेलीज तैयार है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हमें इसकी ज़रूरत न पड़े। और यहाँ एक छोटे बोल में मैं ले लूँगी अब 2 बड़े चम्मच जेलेटिन। आपने 2 बड़े चम्मच भर के जेलेटिन लेना है। और अब इस बोल में मैं डाल दूँगी करीब 3 या 4 बड़े चम्मच पानी। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा ब्लूम हो जाए। और तब तक एक पैन में मैं ले लूँगी करीब 1.5 कप फुल क्रीम मिल्क। आपने फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध डाल दिया है और जितना आपने दूध लिया है उतना ही अब हम डालेंगे फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम। मैं यहाँ व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो 1.5 कप ही मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम भी डाल दिया है। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमने इनको गर्म करना है, बॉइल नहीं करना है, केवल गर्म करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस क्योंकि हम इस रेसिपी में जेलेटिन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसके थोड़ी जो स्मेल आती है ना उसको दूर करने के लिए हम इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी करीब 400 ग्राम मिल्क मेड, पूरा 10 आपने कंडेंस मिल्क का इसमें डाल देना है। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर इसी तरह से लगातार हम इसको चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जेलेटिन जिसको हमने डिसॉल्व करके रखा हुआ है। पहले मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क मिक्सचर ऐड कर लूँगी करीब 2 या 3 बड़े चम्मच और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको इस मिल्क मिक्सचर में ऐड कर देंगे और अब इसको हम तब तक पकाएंगे इसी तरह से लगातार चलाते हुए जब तक कि जो जिलेटिन है वो अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए, जिलेटिन का कोई भी क्रिस्टल इसमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो करीब 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमने इसे पकाना है। तो देखिए जिलेटिन अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है, अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ये आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी ज़रा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैंने यहाँ पे बेकिंग टिन ले लिया है, ये 10 इंच का बेकिंग टिन है। और अब मैं इसमें तैयार किए हुए जेलीज जो है वो इसमें डाल दूँगी
अच्छे से आपने इसको स्प्रेड कर देना है पूरे टिन में। और जेलीज डालते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो सारे कलर्स हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स होने चाहिए। ये ना हो कि ग्रीन कलर एक तरफ हो जाए, पिंक कलर एक तरफ हो जाए, येलो कलर एक तरफ हो जाए, तब आपका केक जो है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो सारे कलर जो है वो अच्छे से आपस में मिक्स होने चाहिए। तो हमने जेलीज अच्छे से मिक्स करके इस टिन में डाल दी है और अब मैं इसमें डालूंगी 5 या 6 करछी भर के ये मिल्क मिक्सचर। और अब हम बहुत जेंटली ये जेलीज और मिल्क मिक्सचर को मिक्स करेंगे। बहुत जेंटली आपने ये करना है ताकि जो जेलीज हैं वो टूटे ना, और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो मिल्क मिक्सचर है वो नीचे तक जाए। ये ना हो कि नीचे पूरा जेली जम जाए और मिल्क नीचे तक न जा पाए, इसलिए जेलीज को थोड़ा सा हिलाते हुए मिल्क मिक्सचर को नीचे तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। और अब इसके बाद बाकी बचा हुआ मिल्क मिक्सचर भी मैं इस टिन में डाल दूंगी। आपने पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा छोड़कर आपने बाकी इसको भर देना है। और अब हम इसको एक क्लिंग फिल्म से अच्छे से सील कर देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। और अच्छे से सील करने के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 6 से 8 घंटे तक सेट होने देंगे। मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ने वाली हूँ, हल्का सा टैप करके मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। और ये देखिए अगले दिन हमारा केक सेट हो चुका है, बहुत ही परफेक्टली सेट हुआ है। और अब हम इसके साइड्स को हल्के से बहुत ही जेंटली स्क्रेप करके मोल्ड से अलग करेंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती हुई तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो बहुत ही हल्के से बहुत ही जेंटली आपने चाकू या स्क्रेपर की मदद से इसको मोल्ड से अलग करना है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक केक बेस, आप चाहे तो प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्लिप करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए ये हमारा केक निकल कर बाहर आ गया है। कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारा ब्रोकन ग्लास जेली केक बनकर बिल्कुल तैयार है, लग रहा है ना खूबसूरत। और ये देखिए जेलीज का कलर इसके ऊपर कितना प्यारा लग रहा है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन और फ्लेवर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कम से कम 3 कलर की जेलीज तो आपने लेनी ही है। तो देखिए ये कितना प्यारा हमारा ये ब्रोकन ग्लास जेली केक बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। आप इसको ऐसे ही स्लाइस करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम से इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इसके साइड्स में मैं ये बॉर्डर बना रही हूँ। और ये देखिए ये हमारा ब्रोकन ग्लास जेली केक बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सेट हुआ है। तो आप अपने घर की अगली पार्टी या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे इस जेली केक को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए अब मैं इसे स्लाइस कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसको स्लाइस करने में ही आता है क्योंकि इसका जो कलर निकल कर आता है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। और ये कलर्स देखिए इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस होता है। तो ब्रोकन ग्लास जेली केक की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।